सब्सक्राइब कर दो हमारा यूट्यूब चैनल जीपी एडवाइस और दबा दो इस बेल आइकन को लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आसमी का मारे आपके यूट्यूब चैनल जीपी एडवाइस में वापस स्वागत है। तो दोस्तों, आप में से बहुत सारे क्लास 12 स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि सर हमें पास होने के कितने नंबर चाहिए बोर्ड एग्जाम के अंदर। बहुत सारे स्टूडेंट ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था। तो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आप सभी को इसी क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो पूरी एंड तक देखना और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज अपने फ्रेंड्स से वीडियो जरूर शेयर करना। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपसे ये बता दूं कि आपको क्लास 12th के अंदर अगर पास होना है तो आपको पर सब्जेक्ट के अंदर 33% लेकर आने पड़ेगी। अब जो 33% वो आपको थ्योरी में अलग लाने हैं और प्रैक्टिकल के अंदर अलग लाने हैं। मतलब अगर आपका 80 मार्क्स का थ्योरी का पेपर होता है तो आपको उसके अंदर 33% लेकर आने हैं। अब 33% का मतलब ये होता है कि जैसे आपका 80 मार्क्स का पेपर है तो आप उसको 33 से मल्टीप्लाई कर लो और डिवाइड बाय 100 कर लो, तो इसका 80 का 33% निकल जाएगा। तो गाइस अप्रॉक्स 27 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे अगर आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर पास होना है। 80 में से अगर आप 27 नंबर लेकर आते हो तो आप बोर्ड एग्जाम पास होगे। अगर आपका इसी तरीके का अगर 90 मार्क्स का पेपर है तो आप 90 का 33% निकाल लो 33 से मल्टीप्लाई करके, तो अराउंड आपको इसके अंदर 30 मार्क्स अप्रॉक्स लेकर आने होंगे अगर आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर इस 90 मार्क्स पेपर में पास होना है। तो दोस्तों देखो, जो 33% है वो आपको थ्योरी के अंदर अलग लेकर आने हैं और प्रैक्टिकल के अंदर अलग लेना लेकर आने हैं। तो देखो दोस्तों, जो प्रैक्टिकल के मार्क्स वो तो चले गए, लगभग आप में से हर एक स्टूडेंट प्रैक्टिकल में पास है, अराउंड 15-16 नंबर हर एक स्टूडेंट के गए हैं 20 में से। बट जो थ्योरी का पेपर जो आपका होने वाला है उसके अंदर आपको कम से कम 80 में से 27 मार्क्स लेकर आने पड़ेगा तभी आप बोर्ड एग्जाम के अंदर पास हो गए। गाइज देखो, 27 मार्क्स लाने बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। अगर आप थोड़ी बहुत स्टडी करोगे, थोड़ी बहुत हार्ड वर्क करोगे तो आप इजीली 27 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो गाइज मेरे को उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि आपको पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए। अगर आप में से अभी भी कोई स्टूडेंट है जिसको समझ नहीं आया तो मैंने स्क्रीन पे अपने कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया, उसमें मुझसे कॉन्टैक्ट करके अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो। तो गाइज बोर्ड एग्जाम आने में बहुत कम दिन बचे। अगर आप में से कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको स्टडी करने में प्रॉब्लम हो रही है तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर लो, मैं जितना हो सके आपको स्टडी के अंदर हेल्प करूंगा और कोशिश करूंगा कि आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छा स्कोर करें आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर। गाइज बोर्ड एग्जाम के अंदर पास होना बहुत ईजी है, आप ये जो 27 मार्क्स है वो इजीली अचीव कर सकते हो। हमारा चैनल आपकी पूरी हेल्प करेगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, जिससे मैं आप सभी की जितनी हो सके अपने चैनल की तरफ से हेल्प कर सकूं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है और आपको अगर इस वीडियो से कोई भी नॉलेज मिली है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स से वीडियो जरूर शेयर करना। तो दोस्तों, अपने फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी इस तरीके की वीडियो चाहिए तो जरूर कमेंट करके बताना। तो इस वीडियो में इतना ही, अपने फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ध्यान रखो, लाइफ एंजॉय।